अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूट्यूब के ऊपर आपका जो चैनल है वो ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, यूट्यूब आपकी वीडियोस को आपके चैनल को ग्रो करना चाह रहा है या फिर नहीं करना चाह रहा है, तो ये बातें आप लोग किस तरीके से जानेंगे, क्योंकि आप यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि यूट्यूब आपके चैनल को ग्रो कर भी रहा है। क्या आपका यूट्यूब का चैनल ग्रो होगा, क्या उसके ऊपर व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे, ये चीज़ें आप लोग किस तरीके से जानेंगे, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ अपनी वीडियोस बना रहे हैं और यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इस बात का नहीं पता चल रहा है। लेकिन आप YT स्टूडियो की मदद से इस बात को समझ सकते हैं, इस बात को जान सकते हैं कि आपका यूट्यूब का चैनल ग्रो होगा नहीं होगा, यूट्यूब आपकी वीडियोज़ को आगे भेज रहा है नहीं भेज रहा है, आपकी वीडियोज़ जो हैं उसके ऊपर व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, आप क्या गलती कर रहे हैं या फिर यूट्यूब कोई गलती कर रहा है। तो ये दोनों बातें आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो यूट्यूब के हवाले से मिल रही हैं। तो हम जो है YT स्टूडियो की मदद से इस बात को समझेंगे कि हमारा जो यूट्यूब का चैनल है वो ग्रो होगा, हमारी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ आएंगे, यूट्यूब हमारी वीडियोज़ को आगे रिकमेंड कर रहा है, लोगों को भेज रहा है या नहीं भेज रहा है, और अगर यूट्यूब लोगों को भेज रहा है तो हमारी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारे पास कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं हमारे एंड से कि हमारी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ कम आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी बहुत कम आ रहे हैं और हमारे चैनल की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, या फिर YouTube जो है हमारी वीडियो को लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है। तो ये दोनों बातें जो है मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझा रहा हूँ। मुझे उसके लिए आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाना पड़ेगा और मोबाइल की स्क्रीन पर जाके आपको समझाऊंगा कि YT स्टूडियो के अंदर हम किस तरीके से इस बात को पता लगा सकते हैं। तो चलिए आइए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखें, यहाँ मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ। YT स्टूडियो मैंने यहाँ से ओपन कर दिया है। अब YT स्टूडियो को ओपन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी क्या गलती है और यूट्यूब आपके चैनल को ग्रो कर रहा है या नहीं, तो दोनों बातें जो आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखें, YT स्टूडियो खोलने के बाद यहाँ पे मेरे चैनल का जो पेज है वो मेरे सामने आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो व्यूज़ लिखा हुआ है व्यूज़ वाले के ऊपर हम टैप कर देंगे। व्यूज़ पर टैप करने के बाद देखें यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है बता रहा है, व्यूज़ कितने आ रहे हैं, वॉच टाइम कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको फ्रंट पे पता लग रही हैं, सब्सक्राइबर कितने आ रहे हैं, रेवेन्यू कितना है यानी कि अर्निंग कितनी हो रही है, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज है और इसके ऊपर अर्निंग भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी। अब आपको जो चीज़ पता करनी है उस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। तो देखें, उसके लिए हमें इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्वाइप करना पड़ेगा और उसके बाद जो है यहाँ देखिए ऑल लिखा हुआ है, न्यू व्यूवर्स लिखा हुआ है, 28 दिन के अंदर 488 व्यूवर्स आए न्यू। लेकिन हमने इस चीज़ को नहीं देखना है, हमने किस चीज़ को देखना है कि यूट्यूब हमारे चैनल को ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस YT स्टूडियो के अंदर यूट्यूब ने ऐसी सेटिंग्स दी हुई हैं कि आप हर चीज़ के बारे में जो है यूट्यूब से पता लगा सकते हैं। इस YT स्टूडियो से जो है आप हर चीज़ पता लगा सकते हैं कि यूट्यूब आपके चैनल को आगे बढ़ा रहा है नहीं बढ़ा रहा है, आपके चैनल पर क्या वजह है जो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आपके हैंड से कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। देखिए, हम इस पेज पे यहाँ मौजूद है, हम यहाँ से पता लगाते हैं कि YouTube हमारे चैनल को ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले ये चीज़ समझते हैं और उसके बाद ये समझेंगे कि अगर YouTube ग्रो कर रहा है तो हमारी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ हमने क्या करना है, ये जो वीडियोज़ लिखा हुआ है इसके ऊपर यहाँ से टैप कर देना है। वीडियोज़ को टैप करने के बाद देखें 648 व्यूज़ यहाँ पर आए हुए हैं। अब यहाँ हम चले गए मेन चीज़, देखें हमारे सामने आ गई है इम्प्रेशन। ये देखें 31,500 इम्प्रेशन जो है यूट्यूब ने मेरी इन वीडियोस के भेजे हैं, मेरे इस चैनल के भेजे हैं, और लास्ट 28 डेज के अंदर यानी कि 28 दिन के अंदर जो है यूट्यूब ने 31,000 लोगों को जो है मेरी वीडियोस दिखाई हैं, मेरी वीडियोस का थंबनेल दिखाया है। अब इसको हम यहां से टाइप करके मजीद आगे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले कि देखिए 28 दिन के अंदर तो 31,500 लोगों को जो है यूट्यूब ने मेरे चैनल को शो कराया है लोगों के सामने। अब उसके ऊपर कितने व्यूज़ आए कितने नहीं आए ये हम आगे जाके समझेंगे। उसके बाद देखें 90 दिन के अंदर देखते हैं हम पहले कि 90 दिन में कितने इम्प्रेशन भेजे। तो देखें 90 दिन के अंदर 95,105 इम्प्रेशन जो है यूट्यूब ने लोगों के पास मेरे चैनल के मेरी वीडियोस के भेजे हैं। उसके बाद एक साल के अंदर कितने भेजे हैं ये भी आपको पता लग जाएगा यहाँ से। तो देखें एक साल के अंदर 313,463 इम्प्रेशन यानी 313,463 दफ़ा जो है यूट्यूब ने मेरी वीडियोज़ को लोगों के सामने भेजा है। तो इस बात से ये बात तो एक क्लियर हो गई कि यूट्यूब की तरफ से जो है मेरे चैनल को ग्रोथ मिल रही है, यूट्यूब जो है मेरे चैनल को ग्रो करना चाह रहा है, क्योंकि उसने 313,463 लोगों को एक साल के अंदर मेरी वीडियोस दिखाई है। कितने लोगों ने देखी ये बात आप लोगों को मैं आगे समझा देता हूँ। और उसके बाद इसमें हम यहाँ पे लाइफ टाइम में भी देख लेते हैं कि लाइफ टाइम अब तक जब से मेरा चैनल बना है
तो YouTube ने कितने लोगों को जो है मेरी वीडियोस को भेजा है। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली 574,534 लोगों को जो है YouTube ने मेरे चैनल का इम्प्रेशन अभी तक भेजा है, 574,534 लोगों को। इसका मतलब सीधा सीधा ये कि YouTube मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को ग्रो करना चाह रहा है, मेरे चैनल के ऊपर व्यूज़ लाना चाह रहा है। अगर मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे तो वो क्यों नहीं आ रहे है? वो बात अब मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए हम यहाँ करेंगे वापस से 28 डेज के अंदर चले गए 28 डेज के अंदर। अब 28 डेज में जाने के बाद हमारे जो इम्प्रेशन है 31,500 इम्प्रेशन जो है यूट्यूब ने भेजे हैं, तो वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ और फिर उसके बाद बताता हूँ कि हमारी वीडियोज़ के ऊपर जो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या मसला है, और वॉच टाइम क्यों नहीं आ रहा है, क्या मसला है। तो देखिए यहाँ हमारे पास 31,598 इम्प्रेशन जो है यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब इस 31,598 इम्प्रेशन का मतलब ये है कि YouTube मेरे चैनल को ग्रो करना चाह रहा है। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बैक करता हूँ। अब बैक करने के बाद देखें ये हम आ गए इम्प्रेशन वाले सेक्शन पे। अब इम्प्रेशन से आगे बढ़ते हैं हम, तो ये देखें इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट, ये बड़ा डिपेंड करता है हमारे चैनल के लिए और ये अब हमारे हैंड से है कि हमारी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। तो देखें 1.6, इसका मतलब ये कि सिर्फ 1.6% जो है मेरे इम्प्रेशन के ऊपर लोग क्लिक कर रहे हैं, यानी कि मेरा इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन है इन 28 दिन के अंदर। लेकिन अगर मैं इसको आगे लेके जाता हूँ अपने चैनल वाले को और यहाँ पे मैं 365 दिन में लास्ट 365 दिन के अंदर चेक कर रहा हूँ तो 5.3, इसका मतलब ये कि मेरे चैनल का इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट पहले बिल्कुल सही चल रहा था लेकिन अभी इन लास्ट 28 डेज के अंदर जो है थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो इसकी वजह ये है कि मेरी जो वीडियोस के जो थंबनेल है वो इतने अट्रैक्टिव नहीं बन रहे हैं जिसकी वजह से इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट जो है मेरा डाउन हो गया। तो आप लोगों ने इस तरीके से अपने इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट को चेक करना है कि टोटल डेज के अंदर आपका इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट अगर 5-6 के करीब जा रहा है तो वो ओके, लेकिन अगर ये 1.6 आ रहा है तो इसके लिए आपको अपने थंबनेल्स को जो है वो इम्प्रूव करना है, ऐसा करना है कि लोग आपकी वीडियोज़ को देखें और फौरन से जो इसके ऊपर क्लिक करें। तो इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट जो है बहुत मायने रखता है आपके चैनल को ग्रो करने में। तो सबसे पहली और बड़ी मेन वजह इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखें यहाँ से मैं इसको करता हूँ बैक और उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पे आगे। तो यहाँ देखें एवरेज व्यू ड्यूरेशन, एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो आ रहा है मेरी वीडियोज़ का 1 मिनट 30 सेकेंड आ रहा है, यानी कि कोई भी बंदा मेरी वीडियो पर आ रहा है तो वो 1 मिनट 30 सेकेंड मेरी वीडियो को देख के चला जा रहा है। तो ये इतना बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है, ये एवरेज है। अगर ये 2 से 3 मिनट के ऊपर चला जाता है तो ये वेल एंड गुड हो जाएगा और मेरा जो चैनल है वो यूट्यूब के ऊपर ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने अपने हैंड से इम्प्रूव करनी है। यूट्यूब अपनी तरफ से अगर आपके चैनल के इम्प्रेशन भेज रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका चैनल ज़रूर ग्रो होगा, सिर्फ आपने अपने हैंड से जो है थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है ताकि आप लोगों का चैनल ग्रो हो सके। तो YT स्टूडियो की मदद से आपने YouTube को समझा कि YouTube किस तरीके से आपके चैनल को ग्रो करना चाह रहा है और आपके हैंड से जो मिस्टेक्स हो रही हैं उसको आपने दूर करके अपने चैनल को आप बहुत जल्दी YouTube के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।